मेरे लिए इस फिल्म किया जो विच स्टूड आउट जो कि कुड़ियाँ फेस करते हैं एक सर्टन एज तो बाद उन्होंने किमें मतलब फील कराया जाता है भी थोड़ी जो मतलब शेल्फ लाइफ है तुम एक्सपायर्ड हो चुके हो हूँ थोनू इस तो बाद मे बी यू नो थोड़े ड्रीम ड्रीम पार्टनर जो तुम हमेशा सोचते हो कि मेरा हस्बैंड आए होगा ये होगा वो शायद थोनू शायद नहीं कंफर्म थोनू नहीं मिलेगा सो जो भी थोनू हाँ करता है ब्याह कर लो चुपचाप बिकॉज थोड़े ऑप्शन बस सही है बट मेन मेन की होगा सेंट्रल आइडिया की रहूगा फिल्म का ये थोड़ी उत्ते जिड़े की डिपेंड होंगे कोका सी नहीं सर हाँ इदे ऑब्वियसली हाँ एजिज़म एजिज़म एज डिफरेंस हुण असीं कदे क्वेश्चन नहीं करते जदों मुंडा वड्डा हुंदा है किसी यू नो सोसाइटी कदे भी कोई उहनूं क्वेश्चन नहीं करेगी सो इहदे विच ओह जरूर है दैट्स द मेन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म इज एज डिफरेंस जिहदे विच कुड़ी दी एज ज़्यादा है सो आई वुड से दैट्स द मेन थीम फिल्म दी पर जिवें जे असीं अज दे सिनेरियो नूं देखिए कि इस चीज़ ते भी गल करेगी कि अगर उन्हों ये जरूरी नहीं कि उन्हें इस करके नहीं विआह कराया हुण तक क्योंकि उन्हों अपने चॉइस का लाइफ पार्टनर नहीं मिलिया जां इस तों इलावा होर बड़े सारे रीजनस हो सकते हैं वेल गे कि अजूनी दी केस मैं कह सकती हूँ कि मतलब तो कुछ गलत नहीं है मतलब यू शुड नॉट सैटल फॉर एनीथिंग लैस जदों तक थोनू थोड़ा आइडियल पार्टनर नहीं मिलता नहीं ब्याह करवाना चाहिए आई थिंक मतलब किसी प्रेशर च आके क्यों मतलब दोज आर नॉट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स तुसी आपदे आप तो सच्ची पुछोगे आर यू रियली हैप्पी ट्रूली हैप्पी जे तुसी सैटल करते हैं यू नो एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं असं हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आई थिंक के इन अ रिलेशनशिप इन अ मैरिज किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एंड हाँ और किसी व्हाट एल्स वाज़ इट क्वेश्चन एंड कि जिहड़ा आइडियल लाइफ पार्टनर हुंदा ओहदी डेफिनेशन तुहाडे लई की है क्योंकि तुसीं मैरिड हो तुसीं मदर हो आइडियल लाइफ पार्टनर मेरे लिए क्योंकि आपां जदों भी आम कुड़ियां च बैठ के कोई गल करदे हां जिवें तुसीं भी कहा कि मेरे लिए मैनूं सब तो शाहरुख खान ज़रूरी चाहिदा सी सी मेरे लिए सब तो ज़रूरी सी जो मैनू समझे जो मेरे ड्रीम्स नू समझे आई नो के उन्हें लिए भी बहुत मुश्किल होंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं के एंड यू नो टू सेंड योर वाइफ और मतलब हस्बैंड जो कि यू नो आप ऑपोजिट सेक्स नाल काम करते हैं एंड बिल्कुल बहुत प्रोक्सीमिटी होंगी है रोमांस करते हैं बहुत कुछ होंगे लोग गल्ला करते हैं यू नो एक कोका जोड़ी है ये विआह कर लो विआह कर लो यू नो इट्स इट्स हार्ड फॉर योर पार्टनर इट रियली इज़ सो उत्ते मतलब एंड आई एम नॉट गोना से कि साड़ी रिलेशनशिप यू नो इज़ रोजेज ते वो हमेशा ही समझते हैं बट यू हैव टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड तो उन्होंने भी थोड़ा समझना चाहिए भी तुम किमें हो इन ट्रस्ट जी ट्रस्ट आ वो फाउंडेशन बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप सो कि काम होंगे ने जिदे लिए कुड़िया की उम्र दिखरी जानी चाहिए है जो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब न करने चाहिए थोड़ा लगता मैनू लगता जी किसी की आज़ादी तुम बन के ना रखो है ना जिथे जिस भी गल च मतलब जिस भी गल च ये आता ना कि वह बंदा आज़ाद नहीं वो डिसीजन कोई लै रहा वो सब गलत है वह भावें फिर उम्र की गल है वह भावें फिर कपड़िया की गल है वह भावें फिर जॉब की गल है वह भावें फिर विआह की गल है मैं लगता है कि भावें कुड़ी है भावें मुंडा है किसी भी वो जात पात को बिलोंग करता है कुछ किसी भी कंडीशन च है बस वो डिसीजन अपने होने चाहिए ने हाँ घर दे उन्होंने अपब्रिंगिंग यह देन है ना उन्होंने समझा जो चीज़ा पर किसी ते बाउंड्रीज नहीं होने चाहिए किसी ते संगल नहीं होना चाहिए कि तू कुड़ी है इस करके तेनों इस एज आ काम करना पेगा तू मुंडा है इस करके तेनों इस एज आ काम मतलब जदों जदों भी कितने ह्यूमन राइट्स की गल आती है तो उदों मैं लगता है कि ये गलत है बाकी मैं किसी चीज़ एंड आई बिलीव थिंक नहीं कई करता कुड़ियों लिए मतलब पहला मतलब विआह तो बाद पहली चीज़ जो उन्हें दी जाती है उन्हें दी आइडेंटिटी लास्ट नेम राइट अवे चेंज हो जाता वी वर्क सो हार्ड फॉर दैट नेम तो मतलब सानू ये सिखाया जाता कि कोई ना एक दिन तो इन्हें चले जाना इन्हें थोड़ी बात मतलब वाई डू वी एम्फसाइज कि मुंडा होना चाहिए क्योंकि ना हम अगे बढ़ेगा नो जे वो ही चेंज कर दो दैन मैं अपने हस्बैंड को कहाँ तुम अपना नाम चेंज कर लो हैरी बाजवा बन जाओ क्योंकि या व्याह तो उन्होंने भी होया ना साढ़े नाल एग्जैक्टली ही विल नेवर डू इट उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लास्ट नेम वो भी असी नीरू बाजवा मेरे पासपोर्ट होते नीरू बाजवा हाँ बट आई मतलब मैनू आ भी कहने कोई शब्द नहीं आते कि आई एम मिसिज हरमीक पाल जवाना आई एम हिज वाइफ सारी दुनिया में पता हो मेरे हस्बैंड आ सो ये जी चीज़ा जस्ट दुनिया में दिखाने लिए एंड वो भी मैनू बहुत अजीब जहा लगता जो लाइक नीरू
ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਖਾਨ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਹੈਰੀ ਜਵੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਨੇਮ ਇਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਨੇਮ ਵਾਈ ਇਟਸ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੋ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ